तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि स्पेशलिस्ट T20 के बड़े बड़े बॉलर्स को भी मार पड़ती है, लेकिन यस आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कौन से प्लेयर को आपने 20 सब योर पॉइंट भाई। आप ऑलराउंडर अनवर अली पे तो आप आखिरी ओवर नहीं लेंगे ना, मतलब बानी हो गया या मीर हमजा नहीं खेले, आपके पास तो स्पेशलिस्ट वो फास्ट बॉलर ही करेंगे ना, तो वो आखिरी ओवर के वही होंगे। बिल्कुल सही। अब आपने रखने क्या बात है। अच्छा एक चीज मुझे जहन में आई थी कराची के हवाले से कि कराची की टीम के लिए अभी भी जो इन्होंने टैलेंट हंट किया था तो वो स्वात में जाके किया और उनके लड़के आप लेके आए, तो अगर तो आप ये चाहते हैं कि लोग कराची को ओन करें तो कोई एक बता दें कि कराची के लड़के को या उनकी फैमिली को होप दी गई कि यहाँ से टैलेंट हंट में आपका लड़का आएगा। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। और हम सब क्योंकि कराची में रहते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस टीम से कुछ यहाँ पे भी सेटअप्स बनेंगे जहाँ कराची के प्लेयर्स को मौका मिलेगा। दिस इज समथिंग दैट कम्स आउट ऑफ दिस शो कि कराची किंग्स को ये चीज जरूर करनी चाहिए कि यहाँ पे कैंप्स करने चाहिए, कोई रेगुलर सेटअप करना चाहिए। मैच में नहीं आ रहे, यस नहीं करेंगे तो आई कंप्लीटली अग्री सर, कंप्लीटली अग्री। ऑलराइट, सो वी विल नाउ लुक हैव अ लुक एट द पॉइंट्स टेबल राइट नाउ। कल के मैच के बाद के पॉइंट्स टेबल की क्या सिचुएशन है। ऑल्दो देयर इज नॉट मच चेंज बिकॉज क्वेटा वाज ऑन द सेकंड पोजीशन, वो अभी भी सेकंड पोजीशन पे, इनफैक्ट मुस्तहकम कर ली उन्होंने अपनी पोजीशन कल के मैच के बाद। 8 पॉइंट्स हो गए हैं, सबसे टॉप पे मुल्तान सुल्तान है 10 पॉइंट्स के साथ। पिशावर इज ऑन थर्ड पोजीशन इस्लामाबाद के 4 पॉइंट्स के साथ, चौथी पोजीशन है। कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स आर ऑन द बॉटम, ऑल्दो कराची हैज़ 4 पॉइंट्स आउट ऑफ 5 गेम्स और लाहौर के अभी तक 0 पॉइंट्स हैं। कल जो मैच होना है वो लाहौर और पेशावर का होना है। अगेन पेशावर इज़ हैविंग अ कंप्लीट डोमिनेंस, हमने देखा है कि पिछले तीनों मैचेस उन्होंने जीते हैं। सो हारून भाई, कल के मैच पे थोड़ा सा रोशनी भी डालें और साथ में प्रेडिक्शन भी दें कि क्या लगता है आपको। देखिए मुझे तो सिर्फ ये फीलिंग है कि कल जो मौसम है वो प्रॉब्ली एक बहुत बड़ा बैड रोल प्ले करने जा रहा है, लेकिन आई थिंक ये दोनों टीमें ऐसी हैं कि इनको एक एक पॉइंट तो अगर मिल ही जाएगा, इनकेस अगर मैच नहीं होता बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पेशावर जलमी अच्छा खेली है। देखिए उनका एक तो प्लस पॉइंट ये है कि उनका जो कैप्टन है वो बहुत फॉर्म में है, आई थिंक ही इज़ द हाईएस्ट रन गेटर। पेशावर जो है वो बाबर आजम जितने अच्छा खेल रहे हैं और वो इनफ रन्स कर देते हैं ऑन द बोर्ड, हालांकि उनकी बॉलिंग मुझे वीक लगती है, लेकिन उसके बावजूद देखें क्योंकि रन्स ऑन द बोर्ड होते हैं 200+, तो फिर वो उसके बाद ये पिंडी में पहला मैच होगा, सो इसलिए वो भी एक इशू है कि यानी वहाँ की पिच कैसे बिहेव करती है। वेट कंडीशन में पिच का बनाना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब सूरज नहीं निकलता, आपका रोल नहीं होता प्रॉपर, पानी जो है उस पर वो खुश्क नहीं होता, तो वो पिच में डैम्पनेस रहती है, और जब डैम्पनेस रहती है तो वो बैटिंग के लिए इतनी साजगार नहीं होती। बिल्कुल, मे बी बॉलर्स वहाँ पर यू नो डोमिनेट करें तो रियल सेंस में स्किल्स का मैच होगा और लो स्कोरिंग मैचेस भी हो सकते हैं वहाँ। बिल्कुल सही है। सो मेरे अपने नज़दीक पेशावर जलमी को डेफिनेटली एडवांटेज होना चाहिए, लेकिन मैच तो अच्छा, जैसे हम यही कहते आते हैं मैच तो अच्छा होगा, ऑब्वियसली हमारा तो प्रेडिक्शन ये है कि पेशावर जीतेगा। ऑलराइट, सो हारून रशीद साहब की कल के मैच के लिए जो कल पहला मैच होना है उसके लिए प्रेडिक्शन है कि पेशावर जलमी जीतेगा, और बड़ी सेफ प्रेडिक्शंस होती हैं हारून रशीद साहब की, लाहौर की तरफ नहीं जाएंगे बिकॉज 0 पॉइंट्स पे। लेकिन हमारे साथ फवाद मुस्तफा साहब हैं जो हमें एक एक लम्हे की खबर दे रहे होते हैं बारिश के हवाले से। सर लाहौर, लाहौर कलंदर के ग्रेट फैन हैं वो, हैं उसी चक्कर में सबसे नीचे हूं। नहीं, इन्होंने लाहौर को जिताने के लिए दूसरी टीम को लेना शुरू कर दिया था। सो सर एक तो ये बताएं कल, क्योंकि आप देख रहे थे कि क्या कितना रेन के चांसेस हैं वो भी बताएं, और अगर रेन हो जाती है 1-1 पॉइंट मिलता है तो एक तो थोड़ा लीग के लिए थोड़ा बुरा होगा, मैचेस देखना चाहते हैं हम, लेकिन पॉइंट्स टेबल पे लाहौर के लिए बहुत बुरा हो जाएगा। देखिए हम एक तो 90% के करीब बारिश का है, सुबह के मैच के लिए भी और शाम के मैच के लिए भी, दोनों मैचेस का। बारिश अगर होती है तो लाहौर के लिए तो खैर बहुत ही बुरी खबर है। ओवरऑल भी जो टीमें बारिश की वजह से मैचेस नहीं होते ना, तो वो आखिर में जब डिसीजन हो रहा होता है ना क्वालिफायर में, उसमें आपको झटका लगता है कि वो एक पॉइंट की वजह से आप बाज़ात तीसरे चौथे पोजीशन का मैच खेल रहे होते हैं और आपको एक चांस मिला होता है। बट बात बिल्कुल सही कह रहे हैं हारून भाई कि विकेट एक ऐसी होती है, अगर मैच हो जाता है गिली विकेट पे तो फिर ये टीमें बराबर हो जाती हैं। बिल्कुल सही है। वो पता नहीं होता कि किसी भी टीम की अगर बुराई आई और गीले विकेट पे तो वो जल्दी आउट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बट मैं सेफ साइड पे लाहौर के साथ नहीं जाऊंगा, मैं विजानमी के साथ ही जाऊंगा। ऑलराइट, सो अब फवाद मुस्तफा फाइनली जो है वो अपना स्कोर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम स्कोर्स बता भी देते हैं कि प्रेडिक्शंस का क्या स्कोर चल रहा है। हारून रशीद साहब जो है वो लीड कर रहे हैं विद 11 पॉइंट्स, फैसल इलियास जो है वो 10 पॉइंट पे हैं, और फवाद मुस्तफा साहब इज ऑन 7 पॉइंट्स। सो यू आर डूइंग वेल, यू आर कैचिंग अप हारून साहब, मेरा तो कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।